सॉलिड स्टेट की कहानी को बढ़ाते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। यार अभी तक सॉलिड स्टेट में अपन क्या क्या सीख चुके हैं उसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं आपके सामने, रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। कि सबसे पहले सॉलिड स्टेट में पढ़ा कि क्लासिफिकेशन दो टाइप का, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल। कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल के अरेंजमेंट पर हमने सॉलिड को क्लासिफाई कर दिया दो टाइप में, क्रिस्टलाइन अमोर्फस, उसका डिफरेंस पढ़ा। उसमें दो टर्म निकले थे, एनिसोट्रॉपिक नेचर और दूसरा सूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड। ये सारी की सारी बातें अपन अभी तक कर चुके हैं। अब होता क्या है कि फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप आगे पढ़ते हो, अमोर्फस सॉलिड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है आगे जाकर, ठीक है, 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप आगे जाकर डिवाइड करते हो, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए उस पार्ट को अपन स्किप कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जो भी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, उन्हीं टॉपिक्स उन्हीं टर्म्स को अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो अपन कुछ टर्म्स पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, जिसमें पहला टर्म है आपके पास स्पेस लैटिस। पहला टर्म है हमारे पास स्पेस लैटिस, या अपन इसे लैटिस के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहला टर्म है स्पेस लैटिस या लैटिस। की स्पेस लैटिस या लैटिस होता क्या है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। आपके पास कुछ पार्टिकल हैं, उन्हें आप एक ऑर्डर्ड में अरेंज कर दोगे थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो वही क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस या लैटिस। जैसे कि इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, जैसे मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरह से, ये मेरे पास कुछ पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल है, इन्हें मैं एक रेगुलर मैनर में अरेंज करने की कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर देखना किस तरह का हमारे पास एक पार्टिकल्स को मिलाता जा रहा हूं, ये पार्टिकल से ये पार्टिकल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से। अब यहां पर देखना कि इस पार्टिकल को मैंने इस पार्टिकल से अरेंज कर दिया, इस पार्टिकल से ऊपर वाले पार्टिकल को मैंने यहां पे अरेंज कर दिया और नीचे वाले पार्टिकल को यहां से अरेंज कर दिया। तो आप देख रहे हो कि यहां पर कुछ इस तरह का एक लैटिस हमारे पास तैयार हो रहा है। तो आप जब पार्टिकल्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हो थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो आपके पास एक लैटिस या जिसे आप बोलते हो स्पेस लैटिस, वो बनता है। ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या है आपके पास? लैटिस पॉइंट है यार, ये लैटिस पॉइंट है। अब ये लैटिस पॉइंट जो है वो कौन आते हैं? ये कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स बनाते हैं। ये आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका सॉलिड कौन सा है। तो ये लैटिस पॉइंट्स होता है, इस बात की ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर स्पेस लैटिस या लैटिस का सिंबल सा मतलब हुआ कि आपके पास कुछ पार्टिकल हैं, उन्हें आप एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो उन पार्टिकल्स को आप क्या बोल रहे हो कि ये स्पेस लैटिस या लैटिस होंगे। उन पॉइंट्स को आप लैटिस पॉइंट से डिनोट करते हो जो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास वो है यूनिट सेल। की यूनिट सेल होता क्या है यार? यूनिट सेल की सिंपल सी बात करते हैं, आपके पास एक दीवार है, ठीक है, क्या है? दीवार है भाई आपके पास, दीवार जानते हो, ठीक है, अमिताभ बच्चन वाली नहीं, ठीक है, रीमेक तो नहीं बन गया किसी का, दीवार का नहीं बना यार रीमेक, ठीक है, बनना भी नहीं चाहिए। जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल की बात अलग होती है, ठीक है, रीमेक में फन नहीं है भाई इतना ज्यादा, ठीक है, वो बात अलग है कि कोई नेहा कक्कर का फैन है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब बात करते हैं कि यूनिट सेल होता क्या है, कि आपने आपके पास क्या है, एक वो है भाई वॉल है आपके पास। अब वॉल को आप देख रहे हो, तो जो वॉल है वो किससे मिलके बनी है यार, किससे मिलके बनी है? कि ये आपने क्या करा, ब्रिक्स को आप अरेंज करते जा रहे हो, ब्रिक्स को आप बार बार रिपीट करते जा रहे हो एक रेगुलर मैनर में, एक ऑर्डर्ड में, तो आपके पास एक ब्रिक तैयार हो गई। तो यूनिट सेल सिंपल सा मतलब है, यूनिट सेल का सिंपल सा मतलब है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट, लैटिस की एक स्मॉलेस्ट यूनिट, जब उसे बार बार अरेंज करा जाए, रिपीट करा जाए थ्री डायमेंशनल स्पेस में, वो पूरे लैटिस को बना दे, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को आप क्या बोलते हो? यूनिट सेल। दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट विच वन रिपीटेड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस जनरेट एंटायर लैटिस, उस यूनिट को आपने क्या बोला? यूनिट सेल। जैसे वॉल है भाई, दीवार है, ठीक है। अब आपने क्या करा, जो ब्रिक्स थी उन्हें एक बार बार रिपीट करते गए, और जैसे जैसे रिपीट करते जाओगे आपकी जो वॉल है, आपकी जो दीवार है, वो तैयार हो जाएगी।
तो यूनिट सेल का सिंपल सा मतलब होता है कि एक सिंपलेस्ट यूनिट, एक स्मॉलेस्ट यूनिट, जब उसे बार बार रिपीट करते जाओगे थ्री डायमेंशनल स्पेस में, वो एंटायर लैटिस को बनाने की हिम्मत रखती है। ठीक है, उसे आपने बोला यूनिट सेल। जैसे कि बड़ा आसान है, आपके पास होम है भाई, घर है। ठीक है, अब घर घर है, घर को आप एक लैटिस मान लो। क्या मान लो? लैटिस मान लो, इसे एक लैटिस मान लिया आपने। ठीक है, अब ये लैटिस अगर है तो जो ब्रिक्स होंगी वो एज अ यूनिट सेल वहां पर काम कर रही होंगी। ब्रिक्स जो होंगी वो एज अ यूनिट सेल क्या कर रही होंगी? काम कर रही होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यूनिट सेल का सिंपल सा मतलब है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, जब उसे बार बार रिपीट करेंगे वो एंटायर लैटिस को जनरेट करने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं कि जो यूनिट सेल होता है उसे आप दो चीज से कैरेक्टराइज करते हो, दो चीज से पहचानते हो। पहला, उसकी एज लेंथ, की एज लेंथ क्या है, और दूसरा उसका इंटरफेशियल एंगल, जो फेसेस हैं उनके बीच में एंगल कितना है। जैसे कि क्यूब को समझो यार, क्यूब आप जानते हो, ठीक है, रूबिक क्यूब आप जानते होगे, देखा होगा अपने, आपके पास होगा। ठीक है, किसी की कोई कोई तो लेकर ही बैठा होगा कि आज तो सॉलिड स्टेट है तो इसकी जरूरत तो पड़ेगी, और पड़ेगी तो साथ में लेकर बैठते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें, जैसे आपके पास ये क्यूब है, अब यहां पर मैं कुछ एक्सेस बनाने की कोशिश करता हूं, इसको, इस एक्सेस को मैंने क्या बोल दिया, ये जो एक्सेस है वो भाई मेरी, वो मेरी वाई एक्सेस है, ये जो एक्सेस है इसे मैंने बोल दिया कि ये मेरा एक्स एक्सेस है, और ये जो एक्सेस जा रही है उसे मैंने बोल दिया कि ये मेरा जेड एक्सेस है। अब यहां पर फेसेस आपको दिख रहे हैं, क्यूब के जो फेसेस हैं वो कितने हैं भाई, यहां पर आपको फेसेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर आप ये एज लेंथ जानो कि ये सपोज ए है, ठीक है, क्यूब है, तो एज लेंथ क्या होंगी भाई, बराबर होती है, याद रखना है। तो ये भी ए ही होगा और ये वाली भी एज जो है वो भी ए ही होगी, क्योंकि एज लेंथ बराबर होती है क्यूब में। अब इंटरफेशियल एंगल की बात करते हो, सपोज ये जो एंगल है वो कितना है अल्फा है, ये जो एंगल है वो कितना है बीटा है, ये जो एंगल है वो कितना है गामा है। तो आप यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हो दो चीजों से, कि एज लेंथ कितना है बाबू, और इंटरफेशियल कितना है, ये आपको डिपेंड करेगा भाई कि इससे आप कैरेक्टराइज करते हो किसी भी यूनिट सेल को। हमारे पास अगर बात करें डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ यूनिट सेल, हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं, और उनसे आप 14 टाइप की लैटिस बना सकते हो, जिन्हें आप बोलते हो ब्रेबियाज लैटिस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं जिससे आप 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म करते हो, और जिससे आप 14 टाइप की लैटिस बना सकते हो। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ यूनिट सेल, हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम जिससे 14 टाइप की आप लैटिस बना सकते हो। अब वो क्रिस्टल सिस्टम को याद रखना बहुत बड़ी बात होती है, उसे अपन समझने की कोशिश करेंगे, एक ट्रिक निकालेंगे जिसकी मदद से अपन क्या करेंगे, उन क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम से लगातार एमसीक्यू बनेगा भाई। अब 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, उसे याद रखना बड़ा आसान है। किससे याद रख सकते हो? सी टोर एच एम टी से आप क्या कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। सी टोर एच एम टी जानते हो, एच एम टी एक ट्रैक्टर आता था पहले, अगर किसी ने देखा हो तो। ठीक है, तो सी टोर एच एम टी के नाम से आप क्या रख सकते हो, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। कौन कौन से हैं? सी से आपका है क्यूबिक, सी से क्या है आपका क्यूबिक, और टी से है टेट्रागोनल, ओ से है ऑर्थोरोम्बिक, आर से है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल उसे कहा जाता है, हेक्सागोनल, एच से एम से मोनोक्लिनिक, और टी से ट्राइक्लिनिक। सी टोर एच एम टी, इस बात का ध्यान रखेंगे, दो टी आते हैं, पहला टेट्रागोनल आता है और लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो सी टोर एच एम टी से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल में क्या रिलेशन होता है, यहां पर उसकी बात करते हैं। अब यहां पर अगर थोड़ी सी बात करें अपन एज लेंथ की, तो एज लेंथ को याद रखना बड़ा आसान है। किस तरह से? यहां पर देखना कि क्यूबिक में जो एज लेंथ होती है वो बराबर होती है, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहां पर जो एज लेंथ होंगी वो बराबर होंगी। यहां पर ट्रेट्रागोनल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हेक्सागोनल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और या मोनोक्लिनिक में होगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये समझ रहे हो? ठीक है, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप? क्रोनोलॉजी ये है कि यहां पर
पहले में दोनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, फिर एक अनइक्वल होगा, फिर दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे, फिर एन एक अनइक्वल हो जाएगा, फिर दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, लास्ट वाले में तो क्या होगा भाई, तीनों अनइक्वल होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इंटरफेशियल एंगल निकालना बड़ा आसान है। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं, किस किस की, क्यूबिक, टेट्रागोनल और रोम्बो हेड्रल में, तो यहां पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, रोम्बो हेड्रल की बात कर रहे हो तो यहां पर आता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और हेक्सागोनल की बात करते हो तो यहां पर आएगा आपके पास अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर जो गामा होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है, और मोनोक्लिक में अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो आपका बीटा होता है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ट्राइक्लिनिक में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इन चीजों को निकालना बड़ा आसान है, ठीक है, यहां पर इन चीजों को निकालना क्या है, बड़ा आसान है। आपने सिर्फ क्या करा है, यहां पर आपने बस इतना सा करा है कि आपने एक सीक्वेंस को समझा है, और सीक्वेंस को जैसे ही समझ आया वैसे ये रिलेशन निकालना बड़ा आसान हो गया भाई, कि एज लेंथ का तो बराबर है, पहले में दोनों, पहले में तीनों इक्वल, फिर एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल, तीनों अनइक्वल, ठीक है, फिर इस तरह की सीक्वेंस चलेगा। इंटरफेशियल एंगल तो बहुत आसान है, पहले तीन में तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, दूसरे में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह से चलने वाला है। तो आप जब इन्हें लिखोगे ना बार बार, ठीक है, जब आप पेन चलाओगे, पेन चलाना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, बिना पेन चलाए मार्क्स नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें, तो पेन तो चलाना पड़ेगा, जब आप पेन चलाएंगे तो इन्हें लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, इन्हें समझना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इन्हें बार बार लिख लिख के देख लेते हैं, बस आपको लिखना है, और जैसे ही लिखा हो जाएगा, आप एक दो बार लिखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। सीट और HMT याद रखना है, जिससे आप इसे याद रख सकते हो। तो आज अपन ने सीखा भाई कि स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल को किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है, और हमारे पास जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है वो हैं क्या। हमारे सिलेबस की अगर बात करें तो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ना हमारा सिलेबस का रोम्बोहेड्रल है, ना ट्राइक्लिनिक है, ना मोनोक्लिनिक है, या ना ट्राइगोनल है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस यहां से हमारे पास एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल से जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहां से बनेगा, तो उन चीज को आप प्रैक्टिस जरूर करें, वहां से जो क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो वीडियोस अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो आपको लिंक दी जा रही है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाएं, वहां पर आप एक्सपांड फॉर्म पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक का एक्सपांड फॉर्म है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको पढ़ना है तो वहां पर एक्सपांडेड फॉर्म में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भांति भांति के क्वेश्चन, भांति भांति के जो टॉपिक्स हैं वहां से आप देख सकते हो, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। यहां पर एक्चुअल में अपन टाइम बाउंड है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपन जो अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको लगता है कि ये चीजें मेरे को पढ़ना है भाई, तो आप लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में देखें उस वीडियो को, वहां पर वो चीज आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप अपनी जो भी कंफ्यूजन है वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हो।